कलर शो सावी की सवारी में व्यूवर्स को देखने मिल रहा है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा। जैसे कि हमने देखा, नित्यम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और मीडिया रिपोर्टर्स को बताता है कि रक्षम दालमिया और सोनम गोयल के बीच कुछ भी नहीं है। जो न्यूज और पिक्चर्स मीडिया में अब तक सर्कुलेट हो रही थी वो किसी की सोची समझी साजिश थी। इन शॉर्ट, नित्यम सावी और गोयल्स के नाम लिए बिना रिपोर्टर्स को ये इम्प्रेशन देता है कि ये सब गोयल्स की साजिश है, खास करके सावी की। इंटरेस्टिंगली, सावी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्रैश करती है और वो रिपोर्टर्स से कहती है कि सच उन्हें रक्षम और सोनम बताएंगे। वेल, अब रक्षम और सोनम मीडिया को क्या बताएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन शो के अपकमिंग एपिसोड में जहां रक्षम वेदिका से कहता है कि अगर वो शादी करेगा सिर्फ सोनम से करेगा वरना नहीं करेगा, वहीं नूतन नहीं चाहती कि सोनम का रिश्ता दालमियास के साथ जुड़े। सावी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके कारण नूतन सोनम से कहती है कि वो उसे उस नरक में नहीं भेजेगी। लेकिन जब ये सारा खेल ही सोनम का है तो वो इतनी आसानी से गिव अप कैसे करेगी। सोनम अपने घर वालों को धमकी देती है कि इतनी बेइज्जती और बदनामी के बाद अगर उसकी शादी रक्षम से नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगी। वेल, शो में आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए सावी की सवारी, और शो से रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए ग्लिट्स विजन यूएसए को सब्सक्राइब करना ना भूले। Hi, this is Nikki Tamboli and you are watching me on Glitz Vision USA. Thank you.